हाय व्यूवर्स, फिटर फैब्रिकेटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम अरशद अली है। पिछले दो वीडियो से मैं वायर बेंडिंग के बारे में बता रहा हूँ, उसमें आपको हॉरिजॉन्टल रोलिंग और वर्टिकल रोलिंग के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको डबल रोलिंग के बारे में बताऊँगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक साथ दोनों रोलिंग होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मेरे पास ड्राइंग है, मैं नीचे से स्टडी कर सकता हूँ या ऊपर से स्टडी कर सकता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि रोलिंग कहाँ कहाँ पे हो रहा है। देखिए, यहाँ पर रोलिंग हो रहा है, ये शेडेड जो दिख रहा है ना, यहाँ पर रोलिंग हो रहा है, वर्टिकल रोलिंग हो रहा है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रोलिंग हो रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, अगर नीचे से मैं स्टडी करूँगा तो पहले हॉरिजॉन्टल उसके बाद फिर वर्टिकल रोलिंग हो रहा है एक साथ, तो इसी को हम डबल रोलिंग कहते हैं। कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था कि डबल रोलिंग के बारे में बताइए, तो यहाँ पर उनका रिक्वेस्ट कंप्लीट होता है। तो देख लीजिए, मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, ये लाइन जो है फर्स्ट अप डायरेक्शन में जा रही है यहाँ तक, उसके बाद फिर वेस्ट की ओर जा रही है, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रोलिंग हुआ है, यहाँ पर ये नॉर्थ और अप डायरेक्शन में रोलिंग हुआ है, इसका वर्टिकल रोलिंग हुआ है, नॉर्थ और अप डायरेक्शन में रोलिंग हुआ है यहाँ तक, उसके बाद फिर यहाँ तक अप डायरेक्शन में चली गई है, उसके बाद फिर इसका हॉरिजॉन्टल रोलिंग हुआ है नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में, फिर यहाँ से अप गई है, उसके बाद फिर आप यहाँ से अगर गौर से देखेंगे तो पहले साउथ, फिर ईस्ट में रोलिंग हुआ है, फिर उसके बाद अप डायरेक्शन में इसका रोलिंग हुआ है, यानी एक साथ दोनों हुआ है, साउथ ईस्ट और फिर अप, ठीक है। इसलिए यहाँ पर डबल रोलिंग, एक तो हॉरिजॉन्टल रोलिंग हुआ, एक वर्टिकल, इसलिए डबल रोलिंग हुआ है, ठीक है, इसे आप देख लीजिए। अब अगर मैं ऊपर से स्टडी करूँगा तो ये देखिए, डाउन, फिर वेस्ट और नॉर्थ, ठीक है, डाउन में, फिर वेस्ट नॉर्थ में इसका रोलिंग हुआ है, फिर उसके बाद डाउन डायरेक्शन, फिर वेस्ट और साउथ की ओर हॉरिजॉन्टल रोलिंग हुआ है, फिर डाउन और साउथ की ओर वर्टिकल रोलिंग हुआ है, फिर यहाँ से ईस्ट, फिर यहाँ से डाउन, इस तरीके से स्टडी करेंगे, ठीक है। इसका मैं अब 3D व्यू आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका 3D व्यू है, ये देखिए, अप से ये लाइन गई है इधर, वेस्ट से फिर वर्टिकल रोलिंग हुआ है नॉर्थ और अप डायरेक्शन में, फिर यहाँ पर 45 का एल्बो लगा हुआ है, फिर ये अप डायरेक्शन, फिर नॉर्थ और ईस्ट में हॉरिजॉन्टल रोलिंग हुआ है, फिर अप डायरेक्शन, फिर यहाँ पर आप गौर से देखिए, यहाँ पर साउथ ईस्ट में हॉरिजॉन्टल रोलिंग, फिर अप डायरेक्शन में वर्टिकल रोलिंग, यानी साउथ ईस्ट और अप, यानी कि डबल रोलिंग यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, इसे आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग व्यू मैं आपको देखिए, मैं आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, टॉप व्यू किस कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, ठीक है। लेफ्ट व्यू ऐसे दिखेगा आपको, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू ऐसा दिखेगा, फ्रंट व्यू ऐसा दिखेगा आपको, साउथ ईस्ट ऐसा ही मेरा ड्राइंग भी था, इस तरीके से साउथ वेस्ट व्यू, साउथ ईस्ट, ये इस तरीके से। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। पहली तो ये है कि रोलिंग के बारे में आप सीखेंगे, उसके बाद डबल रोलिंग के बारे में भी सीखेंगे। और देखिए, ये जो ड्राइंग है, ये दिखने में अजीब सा दिख रहा है, मगर इसका जब आप 3D देखेंगे ना, एकदम सिंपल है, दिखने में सिंपल है, फैब्रिकेट करने में आपको लगेगा कि यार ये कैसे फैब्रिकेट होगा, मगर जब आप इसको फैब्रिकेट करके जब आप देखेंगे तो आपको एकदम सिंपल दिखेगा। मैं इसका 3D व्यू आपको दिखाता हूँ, देखिए कुछ भी नहीं है, ये 90 डिग्री का एल्बो है, इसको 45 में रोल कर दिया है और यहाँ पर 45 लगा दिया है, तो ये 45 और ये 45 90 हो गया, ये 45 टर्न की या फिर ये 45 90 हो गया, फिर यहाँ पर 90 डिग्री का एल्बो है, इसे 45 में रोल कर दिया है,
सॉरी, मैं देखता हूँ 45 का हो रहा है कि ज़्यादा का हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 35.16 का रोलिंग हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर देख लीजिए 45 का रोलिंग हो रहा है हॉरिजॉन्टल, उसके बाद फिर वर्टिकल, इसलिए 45 का एल्बो लगा है। ठीक है, तो सिंपल है, आप इसे इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर मेरा रोलिंग दिया भी नहीं हो और 45 का एल्बो दिया हो तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि 45 का इसका वर्टिकल रोलिंग हो रहा है। ठीक है, इसे आप देख लें, काफ़ी अच्छे तरीके से इसे आप समझ लें ताकि आपको परेशानी ना हो। मैं इसे 2D वायर फ्रेम में इसको मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, जैसे ड्राइंग में दिया हुआ है सेम वैसा ही मैं यहाँ पर आपको 3D में बना करके बताया हूँ। रोलिंग वगैरह सब, ये सारे डिजिट देखिए, ये जो लाइन है ये 88 है, डिस्टेंस इसका 88 है। यहाँ पर इसे आप फॉर्मूला लगाएंगे तो 124 आएगा, यहाँ पे 152 है ये। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए इसका, यहाँ पर ये जो लाइन है इसका डिस्टेंस है 217, इस लाइन का डिस्टेंस है 306। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 257, यहाँ पर 257। ठीक है, सेम एग्जैक्टली मैं वैसा ही बनाया हूँ जैसे ड्राइंग में दिया हुआ है। इसे आप देख लीजिए, इसे आप समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है ये जो एंगल है ना, ये सेंटर से लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, सेंटर से है। देखिए ये सेंटर है, ये एल्बो का ये सेंटर है, पाइप का जो ये सेंटर है ना, इससे यहाँ लिया जाता है, ये यहाँ से और ये ऐसे, यहाँ से सेंटर लिया गया है। देखिए यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से ये लिया गया है, तो इसे आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा बाकी चीज़ें समझने में। बाकी चीज़ों को आपको समझने में काफ़ी इजी हो जाएगा। ये 90 डिग्री का एल्बो, ये 90 डिग्री, या 45 डिग्री का एल्बो, ये 90 डिग्री का एल्बो, ये भी 90 डिग्री का एल्बो, ये 45 डिग्री का एल्बो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो अपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। फिटर फैब्रिकेटर देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।